हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6 देखने जा रहे हैं। आई होप आप लोग लेक्चर नंबर 5 तक देख चुके होंगे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 6 देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 देख आए, उसके बाद लेक्चर नंबर 6 बनाइएगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, जैसे कि यहाँ से वैसे पूछा जाएगा जैसे द कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें 3 सिस्टम होते हैं, कार्टेशियन सिस्टम, स्फेरिकल सिस्टम, सिलेंड्रिकल सिस्टम, और इसी का एक स्पेशल केस होता है जिसे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आपका कोई फोर्स है तो बोलेगा फोर्स को डिराइव करें कार्टेशियन सिस्टम में, या फोर्स को डिराइव करें स्फेरिकल सिस्टम में, सिलेंड्रिकल सिस्टम में। तो इसको डिराइव करने के लिए हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, ठीक है। जब हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लेंगे उसके बाद हम लोग उसमें फोर्स डिराइव करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इस सीरीज को आगे लेकर। पहले यहाँ पे कुछ ऑर्थोगोनल मिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, जैसे मान लीजिए कोई ये आपको पेन से भी करके यहाँ पे दिखाए हैं, जैसे नीचे देखिए, आइए पहले सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अगर ऐसे ऐसे तो कैमरा के सामने आते, लेकिन अगर फिर फोटो से ही काम हो गया तो उसको फिर छोड़ दिए, ठीक है। देखिए इस तरह से, देखिए 3 कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट है मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, ये जेड है, ये कोई पॉइंट ऊपर पॉइंट लिए, यहाँ पे कोई पॉइंट लिए, तो ये तीनों के बीच में है, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिगर में कर कर के भी सिखाएंगे, हर चीज़ आपको सिखाया जाएगा, बस यहाँ पे बने रहें आप, ठीक है। एक सेकेंड, तो यहाँ से देखते हैं बाबू कहाँ गया, पहला पॉइंट देखते हैं, हाँ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो अभी परपेंडिकुलरिटी दिखा रहे थे आपको, यूनिट वेक्टर इन दिस सिस्टम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर्स भी होते हैं वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। कार्टेशियन सिस्टम में आते हैं, तो कार्टेशियन सिस्टम में जो पहला था आपको कर्व लीनियर सिस्टम, यानी कर्व लीनियर सिस्टम पूछा जाए अगर ओनली 14 नंबर में, तो आपको किस किस चीज़ को डेराइव करना पड़ेगा, कार्टेशियन सिस्टम को, स्फेरिकल सिस्टम को, सिलेंड्रिकल सिस्टम को आपको क्या करना पड़ेगा, डेराइव करना पड़ेगा। सिलेंड्रिकल के स्पेशल केस में है आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो चलिए पहला पॉइंट उठाते हैं हम लोग, कार्टेशियन सिस्टम। अब कार्टेशियन सिस्टम में किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि जैसे कर्व लीनियर में 3 पढ़े, तो पहला ले लिए यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम, टाइप्स ऑफ कार्टेशियन सिस्टम, जिसमें हम लोग को क्या क्या देखना होगा, कोऑर्डिनेट रेंज, यूनिट वेक्टर्स, पॉइंट पोजिशन वेक्टर, ठीक है, क्या आर यूनिट वेक्टर कॉन्स्टेंट यूनिट वेक्टर, यहाँ पे बताना है कि यूनिट वेक्टर जो है कॉन्स्टेंट है, तो यस या नो जब हम लोग बनाएंगे तो देखेंगे, ठीक है। व्हाट इट मींस टू अस एक्चुअली यूनिट वेक्टर, एक्चुअली में यूनिट वेक्टर है क्या, ठीक है। हर पॉइंट को डिराइव करके यहाँ पे दिखाया जाएगा, मतलब जितने भी इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं सारा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करवाया जाएगा आपको। इज दिस ऑर्थोगोनल सिस्टम, क्या ये ऑर्थोगोनल सिस्टम है, इसका लेंथ बताएं, एरिया बताएं, वॉल्यूम बताएं, ठीक है। बारी बारी से हर एक पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। तो पहला यहाँ पे आ रहा है टाइप्स, तो LHS होता है, RHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड सिस्टम, राइट हैंड साइड सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग जो यूज करते हैं वो राइट हैंड सिस्टम ही यूज करते हैं, ठीक है। तो अब से जब भी कुछ हम आपको अप्लाई करने बोलेंगे तो अपने राइट हैंड सिस्टम को ही लेकर चलिएगा आप, जो भी कुछ अपने बोलेंगे कि हाथ के उंगली फिंगर को अपने 90 डिग्री पे बनाइए, तो आपको किस हाथ को करना है, तो राइट एंगल वाला, राइट हैंडेड को करना है, ठीक है, राइट हैंड को करना है। तो चलिए यहाँ पे अगर हम एक्स की तरफ हथेली करते हैं, मतलब इस तरह, जिस तरह से फिगर में दिखाया गया है, एक्स तरफ की हथेली करते हैं और बाई के तरफ फोल्ड करते हैं, तो जो डायरेक्शन होता है, जो जेड का डायरेक्शन है, वो जो अंगूठा आपका बाहर निकलता है वो क्या है, जेड का डायरेक्शन है, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग करके आगे सोल्व करेंगे। तो पहला क्या पूछा था, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या है, तो एक्स वाई जेड, कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्स वाई जेड है। उसके बाद यहाँ पे कोई पॉइंट पी ले लिए, तो एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक्स इजकल टू आर, आर कॉस अल्फा कैसे बना, वाई इजकल टू आर कॉस बीटा कैसे बना, जेड इजकल टू आर कॉस गामा कैसे बना। अब आपको जो पिक्चर पीछे दिखा रहे थे वहाँ ले जाकर दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देख लेते, पहले कुछ पॉइंट, पी एक्स वाई जेड है, ये कोऑर्डिनेट बताया, ए जो है आर यूनिट वेक्टर है, ए है आर है, ठीक है, और ये 3 कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड है, और जो एंगल बनाया हुआ है
तो एक्स के साथ अल्फा है, वाई के साथ बीटा है, जेड के साथ गामा है। तो अभी तक कुछ नहीं समझ में आया होगा, चलिए यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं और समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इसलिए इसको लेकर आए थे। चलिए देखिए, आप पढ़े हैं कि जिसके साथ एंगल रहता है उसको कॉस के साथ लेते हैं, पढ़े थे? जिसके साथ, एक सेकेंड, रिजुलेशन ऑफ फोर्स पीछे पढ़ाए थे बाबू, याद है? इस तरह से मान लीजिए ये फोर्स 20 न्यूटन है, यहाँ पे 30 डिग्री इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे फोर्स क्या आएगा? 20 cos 30 डिग्री, और ऊपर कैसे जाएगा? 20 sin 30 डिग्री। ये चीज़ पता है कैसे? कैसे पता है? क्योंकि बोले थे कि जिसके साथ एंगल लगा रहा था उसके साथ क्या लेते हैं? कॉस लेते हैं, बोले थे। तो उसी तरह से यहाँ पे, यहाँ भी देखना है। तो चलिए यहाँ पे जो सिस्टम ले रहे हैं, जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, देखिएगा कितना मतलब बहुत बेटर हो जाएगा। चलिए ये वाला क्या था फिगर में? एक्स था ना, ये वाला पेन को ले लिए एक्स, ऊपर वाला क्या लिए थे? वाई लिए थे, वाई ले लिए। ये वाला पेन क्या लिए थे? जेड लिए थे। ये वाला पेन क्या था? जेड था, ठीक है? और ये बीच में कोई पॉइंट था, इसका डिस्टेंस क्या था? कितना था? आर। रेड वाला का कितना डिस्टेंस था? आर। ये पॉइंट पी था। अब हमको इस पॉइंट पी वाले को प्रोजेक्ट करवाना है एक्स पे, तो एक्स के साथ जो एंगल दिया हुआ था अल्फा है, वाई के साथ इसका एंगल जो दिया हुआ है क्या है? बीटा है, और जेड के साथ जो इसका एंगल दिया हुआ क्या है? गामा है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा और समझते चलिएगा, ठीक है? फिर से बना रहे हैं जब तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है समझने में बहुत सारे स्टूडेंट को। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? ये क्या था? एक्स था। ये क्या था? वाई था। फिर से कर रहे हैं बाबू, देख लीजिए, जेड था। इसके साथ क्या एंगल बताए थे? अल्फा है। इसके साथ वाई के साथ क्या था? बीटा था। और जेड के साथ क्या था? गामा था। अब बोले थे कि जिसके साथ एक्स रहता है उसके साथ कॉस आता है, तो अगर हमको यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, ये इसका डिस्टेंस कितना है? इसका डिस्टेंस आर है, तो आर कॉस अल्फा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स और जो आर डिस्टेंस के बीच में कौन सा एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है, तो एक्स इजिकल टू आर कॉस अल्फा हो गया। बीटा वाले के साथ देखिए, तो बीटा वाले के साथ देखिए, बाई वाला के साथ देखिए, तो बाई वाले के साथ कौन सा एंगल बनाया है? बाई वाला के साथ कौन सा? तो कॉस बीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस बीटा। और जेड वाले के साथ, जेड वाला के साथ क्या हो जाएगा? आर कॉस गामा। तो यही हो गया एक्स बाई जेड कार्टिशियन सिस्टम में, ठीक है? तो आई होप यहाँ समझ में आया होगा कि कार्टिशियन सिस्टम में हम लोग एक्स बाई जेड कैसे निकालते हैं। क्लियर है बाबू? क्लियर है? तो एक्स इजकल टू आर कॉस अल्फा, वाई इजकल टू आर कॉस बीटा, और जेड इजकल टू आर आर कॉस गामा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आते हैं रेंज पे। रेंज कितना होगा? रेंज कितना होगा? तो रेंज से भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में आपको रेंज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर इधर एक्स है तो पीछे माइनस एक्स भी होता है, अगर इधर एक्स है तो इधर माइनस एक्स होता है, ये वाई है तो नीचे माइनस वाई होता है, ये जेड है तो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? माइनस जेड होता है। इतना पता है? तो जब पता है तो आपको क्या था कि एक्स तक, सॉरी, ये जो पी वाला डिस्टेंस था उसी फिगर में जाते हैं, यहाँ पे दिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, वहाँ पे करेंगे तो, ठीक है? इसी पॉइंट पे जाते हैं, इसी एक और देखिए, यहाँ पे ए वाला पॉइंट से एक्स का डिस्टेंस, ठीक है, एक्स एक्स तक गए। अब इसके माइनस एक्स किधर होगा? यहाँ पे होगा, माइनस एक्स से यहाँ पे होगा। तो यानी हम कहीं भी एक्स से डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस नहीं था कि कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस नहीं था कि इतना डिस्टेंस लेना, हम इन्फिनिटिव तक ले सकते थे। पॉजिटिव वाला से कहाँ तक ले सकते थे डिस्टेंस? इन्फिनिटिव तक। उसी तरह से निगेटिव वाला से भी हम कहाँ तक डिस्टेंस ले सकते हैं? इन्फिनिटिव तक। तो इसका रेंज कितना हुआ? माइनस से एक्स से भी मेजर करना है ना, माइनस एक्स एक्सिस से भी मेजर करना है, तो माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव हम लोग कहाँ से जा सकते हैं? माइनस इन्फिनिटिव मतलब ये पॉइंट हम कहाँ, यहीं तक आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस कितना लंबा भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये प्लस एक्सिस वाला में जाके, और नीचे इसका क्या होगा? माइनस एक्सिस ना, इस इधर वाला में क्या होगा? माइनस एक्सिस। तो इधर भी डिस्टेंस जा सकता है और ये माइनस तरफ भी डिस्टेंस जा सकता है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव। अभी ये गोमे नहीं समझ में आ रहा होगा, जब स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल देखिएगा ना, वहाँ साफ साफ पता चलने लगेगा कि रेंज क्या होता है, ठीक है?
अभी तो दोनों एक देखने में एक ही जैसा लग रहा होगा, तो अभी देखते जाइए, धीरे धीरे आपको सब क्लियर हो जाएगा। आई होप धीरे ऐसे क्लियर भी हो गया होगा कि निगेटिव है, जिस तरह से पॉजिटिव में पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक जा सकते हैं, उसी तरह से निगेटिव एक्सिस में निगेटिव तक जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको रेंज बोल दिए क्या, एक्स का माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव, वाई के लिए भी माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव, जेड के लिए भी माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव। तो दो चीज हम लोग देख लिए यहाँ पे, क्या पढ़े थे हम लोग कि क्या क्या चीज को देखने वाले, जितना लिखा हुआ है ना इतना से ज्यादा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। इसी को मतलब पूछेगा कार्ड ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, कार्टेशियन सिस्टम में कोऑर्डिनेट बताओ, दो नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया, कार्टेशियन सिस्टम का रेंज बताओ, तो कोऑर्डिनेट देख लिए, आर इजकल टू क्या निकला, एक्स इजकल टू क्या निकला, आर कॉस अल्फा, वाई इजकल टू क्या निकला, आर कॉस बीटा, और जेड इजकल टू क्या निकला, आर कॉस गामा, ठीक है। रेंज क्या देखे, माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव तीनों के लिए। अब आते हैं यूनिट वेक्टर से देखते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर देखते हैं। तो आइए यूनिट वेक्टर देखते हैं, यूनिट वेक्टर क्या है, एक्स के डायरेक्शन में आई कैप, वाई के डायरेक्शन में जे कैप, जेड के डायरेक्शन में के कैप, ठीक है। आई के डायरेक्शन में एक्स के डायरेक्शन में आई कैप, वाई के डायरेक्शन में जे कैप, और जेड के डायरेक्शन में के कैप। पोजीशन वेक्टर देखना चाहे, पोजीशन वेक्टर तो यहाँ पे ओरिजिन होता है जीरो, ओरिजिन होता है। तो अगर हम आर इजकल टू यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर निकालना चाहे, तो ये आर इजकल टू, आर यूनिट वेक्टर इजकल टू एक्स माइनस, एक्स वाला पे देखिए, एक्स एक्सिस पे देखिए, तो एक्स माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो। बाई वाला में देखे तो बाई माइनस जीरो, मान लीजिए कोई बाई का डिस्टेंस है, बाई एक्सिस पे बाई डिस्टेंस है, तो बाई माइनस जीरो, और जेड माइनस जीरो, तो x माइनस जीरो एक्स ही बचा, बाई माइनस जीरो बाई बचा, जेड माइनस जेड जीरो बचा। तो यहाँ क्या हो गया, एक्स आई कैप, बाई जे कैप, जेड के कैप। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर कहलाया, r r यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, r यूनिट वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। r यूनिट वेक्टर कॉन्स्टेंट यूनिट वेक्टर है, पूछा था क्वेश्चन कि आर क्या यूनिट वेक्टर जो होता है कॉन्स्टेंट यूनिट वेक्टर होता है, तो इसका आंसर है एस, बट कैसे, ठीक है, बट हाउ। तो देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट है आई कैप, जे कैप, के कैप, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मान लीजिए इस पॉइंट पे लेना चाहते हैं, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, आई कैप, एक्स के डायरेक्शन में आई कैप, वाई के डायरेक्शन में जे कैप, जेड के डायरेक्शन में के कैप। कहीं भी पॉइंट ले रहे हैं तो आई कैप किधर है, एक्स की डायरेक्शन में ही रहेगा, जे जे कैप किधर रहेगा, बाई के डायरेक्शन में रहेगा, और जेड डैश किसके डायरेक्शन में रहेगा, के कैप किसके डायरेक्शन में रहेगा, जेड के डायरेक्शन में। यानी जितना भी पॉइंट है सब किसके डायरेक्शन में रहेगा, इसी के डायरेक्शन में रहेगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि क्या है ये, आर यूनिट वेक्टर कॉन्स्टेंट यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। सभी पॉइंट पर आई जे के का डायरेक्शन सेम ही है, इसलिए हम उसे कॉन्स्टेंट यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो आई होप आपको सब पॉइंट का आंसर यहाँ से मिलते जा रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, आई होप दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर दिए, जूम नहीं होगा तो शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो एक बार इसको रिपीट कर देते हैं बाबू, ठीक है, क्योंकि आप धीरे धीरे समझना पॉइंट स्टार्ट किए होंगे, एक बार रिपीट कर देंगे, ठीक है, तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। अगर आपको समझ आ गया तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, स्किप करके आगे देख सकते हैं, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए थोड़ा सा रिपीट कर देते कि क्या हम लोग अभी तक देखे। तो पोजीशन वेक्टर से देखते हैं, पोजीशन वेक्टर निकालना है तो आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू एक्स माइनस जीरो आई कैप प्लस वाई माइनस जीरो इंटू जे कैप, जेड माइनस जीरो इज इक्वल टू के कैप, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर हम लोग को फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। आर यूनिट वेक्टर कॉन्स्टेंट यूनिट वेक्टर पूछा था, तो इसके लिए हमको बताना था कि किसी भी पॉइंट पे आई का डायरेक्शन, जे का डायरेक्शन और के का डायरेक्शन अगर सेम है, किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन सेम है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट यूनिट वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, और कहीं कहीं आपको किस नाम से दिखा जा सकता है, आई कैप को एस कैप भी बोल सकता है, ई के पावर एक्स कैप भी बोल सकता है, ठीक है। जे कैप को उसी तरह से बाई कैप भी लिख सकते हैं, ई बाई के कैप लिख सकते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है, कहीं भी किसी भी सिंबल से पूछ सकता है आपको। के कैप इजकल टू क्या हो सकता है, जेड कैप, और इजकल टू ई के पावर जेड के कैप, ठीक है, ई कैप। तो इस तरह से सिंबल आपको बना के पूछा जा सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर्स ही है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, आगे की पोर्शन देखते हैं हम लोग।
तो आगे की पोर्शन देख रहे हैं यहाँ से, व्हाट इज द मीन टू अस एक्चुअली यूनिट वेक्टर। आप यूनिट वेक्टर का मतलब क्या समझते हैं? तो यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि जब आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके अनुसार उसका वेरिएबल चेंज हो जाता है। जैसे समझाते हैं आपको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई जेड और कोई भी दिया हुआ है, मान लीजिए जे कैप दिया हुआ है, ठीक है, और बाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ बाई तो वेरिएबल रहेगा, बाकी एक्स स्क्वायर और जेड होगा जो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉन्स्टेंट को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो कॉन्स्टेंट को यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉन्स्टेंट को बाहर कर देते हैं, यहाँ पे जेड हो गया, बाई का क्या हो जाएगा, वन, ठीक है। तो इस तरह से इसी का मतलब हम लोग समझते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ आई कैप के रिस्पेक्ट में, तो आई के कैप के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन किसके अकॉर्डिंग होगा, तो एक्स के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे जो बाहर कौन होगा, बाई जेड बाहर होगा, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, टू एक्स बाई जेड आई कैप, हेयर आई बाई जेड कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है, आई कैप के लिए बाई जेड कॉन्स्टेंट हो गया। अगर कोई थीटा में है, ठीक है, हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं आर यूनिट फैक्टर्स में पढ़ रहे हैं, थीटा यूनिट फैक्टर में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल में, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। पहले हमको थीटा को किस में कन्वर्ट करना होगा, आई कैप जे कैप के कैप में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो इस पोर्शन को जब ऐसा है, जब तीनों पढ़ेंगे ना तब इस पोर्शन को आपको आके क्लियर करेंगे। अभी तीनों अगर आप पहले से देख चुके होंगे तो समझ में आता आ जाएगा इसे, लेकिन इसको आके लास्ट में डिस्कस करेंगे इस पे, ठीक है, इसको रहने देते हैं। चलिए, इज दिस ऑर्थोगोनल सिस्टम, क्या ये ऑर्थोगोनल सिस्टम है? तो यस, यहाँ यूनिट वेक्टर भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए ऑर्थोगोनल सिस्टम कहेंगे। मतलब कि आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था एक्स बाई जेड, ये क्या था, म्यूचुअली परपेंडिकुलर था। यहाँ पे जो आपका यूनिट वेक्टर बना वो भी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आई कैप जे कैप के कैप, तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोग यूनिट ऑर्थोगोनल सिस्टम कहते हैं, ठीक है, ऑर्थोगोनल सिस्टम करते हैं। अब आया था कुछ लेंथ निकालने के लिए, याद है बोला था लेंथ निकालना भी है, एरिया, मतलब जितने टाइप का इसमें क्वेश्चन बन सकता है हर क्वेश्चन को यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। ऐसे पढ़ना होता तो सिर्फ आपको क्या बता दिया जाता कि यहाँ पे एक सेकेंड आपको बता दिया जाता सिर्फ कि ये आपका क्या है, कार्टेशियन सिस्टम है, इसमें रेंज है, बस हो गया। लेकिन आपको हर लेंथ एरिया आपको सारा कुछ बताया जा रहा है। तो लेंथ में देखते हैं, लेंथ में अगर हमको चेंज करना है तो कैसे चेंज कर सकते हैं। एक्स में जो कुछ मान लीजिए एक्स था तो बढ़ के कुछ क्या हो गया, डी एक्स हो गया। बाई में देखते हैं तो बाई बढ़ के क्या हो गया, डी वाई हो गया। और जेड में देखते हैं तो ये बढ़ के क्या हो गया, डी जेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं लेंथ तीनों को समेशन कर देना है तो लेंथ बन जाएगा डी एक्स आई कैप डी बाई बाई के बाई के डायरेक्शन में कौन है, जे कैप है, तो बाई जे कैप डी बाई जे कैप डी जेड के कैप, ठीक है। और डी एक्स है या डी वाई है या डी जेड है, जो एक स्मॉल चेंज लेंथ व्हेन यू मूव ए लिटल बिट इन एक्स डायरेक्शन और आई डायरेक्शन। उसी तरह से अगर हम बाई में देखने जाए तो बाई डायरेक्शन में एक छोटा सा लेंथ अगर हम बढ़े हैं, लेंथ गए हैं, ठीक है, चले हैं कौन सा डायरेक्शन में, जे कैप डायरेक्शन में, तो उसको क्या हो गया, डी वाई हो गया, उसी तरह से डी जेड हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कभी भी, जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, किसी भी ईयर्स में पढ़ रहे हो तो आप पूछ सकते हैं डॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे कैसे हुआ, हम आपको वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एरिया की बात करते हैं, अब एरिया की बात करते हैं, एरिया क्या है, ठीक है। तो एरिया डी डी ए इजकल टू, मतलब एरिया निकालना है कौन सा डायरेक्शन में आप चाहते हैं, एक्स डायरेक्शन में चाहते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में चाहते हैं तो उसके अपोजिट वाला को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अपोजिट वाला कौन है, एक्स डायरेक्शन में चाहते हैं तो डी वाई इंटू डी जेड, और इन जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप या के एक्स कैप या ई के पावर, एक सेकेंड मिटाने दीजिए पहले इसको। चलिए यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ना, पहले तो डी वाई इंटू डी जेड लिख दिए, एक्स कैप आईसी को दूसरा नाम क्या बताए थे, आई कैप, आईसी का दूसरा नाम क्या बताए थे, ई एक्स के पावर कैप, ठीक है। तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो मर्जी आपको वो लिख सकते हैं, तो एक्स कैप लिख दिए, कोई दिक्कत। चलिए एरिया इन कोऑर्डिनेट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सब परपेंडिकुलर है, तो उसी तरह से हम अगर हम बाई डायरेक्शन में निकालना चाहें तो कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी एक्स और डी जेड। उसी तरह से आप जेड इधर जेड वाला को निकालना चाहे तो कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी एक्स और डी वाई। तो एरिया बाबू आप निकालना आई होप सीख चुके होंगे, ठीक है।
अब आते वॉल्यूम निकालना सीखते हैं। वॉल्यूम क्या होता है आप जानते होंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। पता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट को वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ जितने भी लेंथ बढ़ा था डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ तक तो हम लोग एक तरह से समझिए कि बेसिक पढ़ रहे थे, ठीक है। एक तरह से हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिक पढ़ रहे थे हर चीज़ को। कर्वलिनियर सिस्टम में पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ, कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। इसको एक सेकेंड मिटाने देते, थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पे। आप कार्टेशियन सिस्टम में तीन सिस्टम देख रहे थे, वैसे तो चार है, एक स्पेशल केस है सिलेंड्रिकल का। तो यहाँ पे तीन सिस्टम में कार्टेशियन का जितने भी टाइप से क्वेश्चन वहाँ बन सकते थे सभी पॉइंट को देखिए। यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, रेंज क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, आर यूनिट वेक्टर कॉन्स्टेंट यूनिट वेक्टर है या नहीं है, व्हाट इज द मीन्स एक्चुअली यूनिट वेक्टर, क्या ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, लेंथ इसका क्या होगा, एरिया क्या होगा और वॉल्यूम क्या होगा। तो इतना पॉइंट आई होप क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। तो हुआ है तो, अगर नहीं हुआ तो आप रिपीट करके पीछे से बैक करके आप देख सकते हैं दोबारा, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था उस पे चलते हैं। ये पूछ दिया कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन इन द कार्टेशियन सिस्टम। अभी तक तो आप डिराइव किए, अभी निकाले आप एरिया निकाले, लेंथ निकाले, वॉल्यूम निकाले, रेंज निकाले, कोऑर्डिनेट सिस्टम निकाले। अब यहाँ पे हमको बोल रहा है ना कि मोशन को डिराइव करो, ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम में मोशन को डिराइव करो। तो मोशन को डिराइव करने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए, फोर्स पता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे अगर हमको मास तो कांस्टेंट होता है बाबू, मास के लिए तो टेंशन नहीं है, टेंशन है एक्सेलरेशन के लिए। अगर आप एक्सेलरेशन को कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो कर दे, ठीक है, बना दे या दिखा दे, प्रूव कर दे, तो आपका फोर्स निकालना आसान हो जाएगा कार्टेशियन सिस्टम में, ठीक है। तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे। मास जो आपका वैल्यू दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का वैल्यू डिराइव कर देना है कार्टेशियन सिस्टम में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते इसी टॉपिक पे, टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। लेक्चर देख रहे हैं बाबू आप लोग पीछे से, लेक्चर देखते जाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं पॉइंट को, अब बढ़ाते हैं यहाँ से। ड्राइव द, आपको मोशन को ड्राइव करना है कार्टेशियन सिस्टम में, तो मोशन को ड्राइव करने के लिए पहले आपको एक्सेलरेशन करना होगा। द इक्वेशन ऑफ मोशन ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कंसीडर ए पार्टिकल एट पोजीशन आर, लेट एफ बी फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर। यहाँ पे एक बॉडी है जिसका वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन है, तो यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास लिख सकते हैं, ठीक है। एम को गुना में तो भागा में दे दिए, तो ए तो लिख दिया, ये बता दिया कि जो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन से ऑटोमेटिक आपका मोशन डिराइव होता है, ठीक है, क्योंकि मास वहाँ क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। मास सभी जगह के लिए, सभी पॉइंट, चंद्रमा पे हो, कहीं भी हो, मंगल पे हो, पृथ्वी पे हो, अर्थ पे हो, कहीं पे भी हो, तो आपको मास वहाँ के लिए क्या होता है, सेम होता है। यानी आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन को देखना है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग एक्सेलरेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन देखने के लिए आपको क्या चीज़ पता होना चाहिए, वेलोसिटी पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन देखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, वेलोसिटी, या वेलोसिटी को देखने के लिए आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए। यानी आप पता है, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग पढ़े रहते हैं लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि कैसे करें। अभी जैसे कि अभी इतना पढ़ लिए होंगे कार्टेशियन सिस्टम, तो लग रहा था हाँ सर समझ में आ गया, लेकिन जैसे ही अगर कोई पहली बार पढ़ रहे होंगे, ठीक है, नहीं देखे होंगे, तो जैसे ही आ जाता है डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन इन कार्टेशियन सिस्टम, अब वो अलवल आ जाते, क्या सोचना स्टार्ट कर देते कि सर ये तो चीज़ तो हमको बताएं नहीं कि मोशन को भी डिराइव किया जाता है इसमें, कार्टेशियन सिस्टम में करेंगे, फोर्स को डिराइव करेंगे, ठीक है, किसी चीज़ को डिराइव करना है, तो उसके बेसिक को पकड़िए कि उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो फोर्स निकालने के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस तो आपके पास है, अरे एक्स डिस्टेंस है ना, एक्स डिस्टेंस, उसी से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे वी एक्स में, उसी से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे। अब पॉइंट क्लियर हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे आप। कभी भी किसी तरह से कोई क्वेश्चन पूछा जाए उलट पलट के तो बना लेंगे, कैसे हम लोग जीरो से, देखिए कोई भी चीज़ होता है बिना लिंकिंग का नहीं होता है। लिंकिंग का कहने का मतलब, मान लीजिए कि ये ऐसे बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक है, ये बिल्डिंग बना हुआ है, बहुत बहुत यहाँ पे फ्लोर है, ठीक है,
लगभग 1000 फ्लोर है, ठीक है, 1000 फ्लोर है यहाँ पे। आपको बोल दिया सबसे फर्स्ट फ्लोर पे, सबसे अपर फ्लोर पे जाना है, तो क्या डायरेक्ट आपको थोड़ी के जाना है, यहाँ से आपको लेबर रूट खोजना होगा कि कहाँ से हमको वहाँ तक पहुँचना है। तो रूट हम लोग पकड़ेंगे कहाँ से यहाँ रूट मिले ताकि हम सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच पाए, ठीक है। तो उसी तरह से मोशन को डिराइव करने के लिए कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग क्या पकड़ेंगे, उसका रूट। तो रूट निकल के आया डिस्टेंस, तो चलिए डिस्टेंस को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी मिल जाएगा, दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका फोर्स हो जाएगा। वो कौन सा कोऑर्डिनेट में होगा, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे आसान कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो भी यूज होता है अभी हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में ही करते हैं, ठीक है। तो चलिए कार्टेशियन सिस्टम को अब डिराइव करते हैं, मोशन को डिराइव करते हैं कार्टेशियन सिस्टम में। कंसिडर एक्स वाई प्लेन, लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट विच स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल, लेट वी एक्स और वी वाई। दो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिए, एक्स ले लिए और वाई ले लिए, ठीक है, एक्स और वाई ले लिए। एक्स में सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं और वाई में निकाल लेते हैं, ठीक है, दोनों में बारी बारी से निकाल लेते हैं। तो हमको दोनों में क्या क्या पता होना चाहिए, दोनों में डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो एक्स डिस्टेंस हो गया, इसमें क्या हो गया, वाई डिस्टेंस हो गया। तो dx अपॉन dt इजकल टू क्या हो जाएगा, vx, क्योंकि आप जानते हैं कि डिस्टेंस को अगर एक बार डिफरेंशिएट किया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। अब वेलोसिटी एक्स को कर रहे हैं ना, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब एक्स के डायरेक्शन में होगा। और वाई को टी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या हो जाएगा, वी वाई। और जो वेलोसिटी है कौन सा डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। द एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स कंपोनेंट ए एक्स ए वाई एंड गिवेन एज। अगर जब वेलोसिटी दे दिया गया वी एक्स और दे दिया गया वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में वी वाई, तो इससे आप एक्सेलरेशन नहीं निकाल लेंगे, कैसे निकाल पाएंगे आप, वी एक्स है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट फिर से कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो अगर हम वी एक्स को फिर से करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा वी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इजिकल टू वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। सिमिलरली बाई का भी कर देंगे, डी टू बाई अपॉन डी टी स्क्वायर इजिकल टू ए बाई। तो यहाँ पे बाबू आपको क्या मिल चुका है, एक्सेलरेशन मिल चुका है, ठीक है, एक्सेलरेशन मिल गया। तो एक्सेलरेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा वहां से, एक सेकेंड, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फॉर एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एफ एक्स इजिकल टू क्या लिख सकते हैं आप, एफ एक्स इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, और कौन सा डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो एफ एक्स इजिकल टू मास इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन वन। उसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट में देखते हैं, तो एफ वाई इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, कौन सा कोऑर्डिनेट में, वाई कोऑर्डिनेट में, एफ वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, एम डी टू बाई अपॉन डी टी स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे एफ डायरेक्शन में, अच्छा यहाँ से आप कुछ समझ पाए कि जब एक्स डायरेक्शन में निकालते हैं तो एफ एक्स इजकल टू क्या हो गया, एम इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से अगर हम वाई डायरेक्शन में निकालना चाहे तो क्या हो गया, एम डी टू बाई अपॉन डी टी स्क्वायर। अगर जेड डायरेक्शन में निकालना चाहे तो, मास इंटू डी टू बाई अपॉन सॉरी डी जेड अपॉन डी टी स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट, ठीक है, कि मोशन को कैसे हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में ड्राइव कर सकते हैं। तो द इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स वाई प्लेन आर, अगर एफ एक्स डायरेक्शन में देखते हैं, तो एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्लियर, एफ वाई में देखते तो एम डी टू बाई अपॉन डी टी स्क्वायर क्लियर, एफ जेड में देखते हैं तो m d टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर। आई होप यहाँ से ऑल अबाउट पॉइंट्स आर क्लियर, ठीक है। चलिए, इफ एक्स वाई प्लेन आर कंसीडर देन हम क्या क्या लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को, मतलब एक जगह इकट्ठा करके लिख दिए, एक जगह सरिया के लिख दिए, जितने भी अभी पॉइंट निकाले ना सबको एक जगह करके लिख दिए। तो एक्स में देखते तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर सॉरी बाबू यहाँ पे देखते हैं ए बाई में देखते हैं तो डी टू अपॉन डी टू बाई अपॉन डी टी स्क्वायर, जेड में देखते हैं
उसको अगर हम मास से गुना कर देते हैं तो एफ एक्स में मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकल गया, वाई डायरेक्शन में फोर्स निकल गया, जेड डायरेक्शन में फोर्स निकल गया। वेलोसिटी की बात करते हैं तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा कौन सा डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा कौन सा डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। और डी जेड अपॉन डी टी हो जाएगा जेड डायरेक्शन में। अब यहाँ से हेंस द इक्वेशन ऑफ मोशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एफ एक्स इजकल टू क्या हो गया, एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, एफ वाई इजकल टू एम डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, एफ जेड एम डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक क्लास में बने रहने के लिए, ठीक है। अच्छा लगा हो तो आप